नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर चक्रवाती तूफान अफान के बारे में, जो अभी कोलकाता और उड़ीसा के साइड में है। सुपर चक्रवाती तूफान अफान एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने मई 2020 में पूर्व भारत और बांग्लादेश पर व्यापक क्षति पहुँचाई। 2007 के मौसम में CDR से गंगा के डेल्टा पर प्रहार करने के लिए सबसे मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात और 1999 के उड़ीसा चक्रवात से बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले चक्रवात आने वाला प्रथम तूफान था। 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नुकसान करने वाला अफान उत्तरी हिंद महासागर में भी रिकॉर्ड किया गया सबसे महंगा चक्रवात है, जो 2008 के तूफान नरगिस के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। 2020 उत्तर हिंद महासागर चक्रवात के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात अफान की उत्पत्ति 13 मई 2020 को श्रीलंका के कोलंबो से कुछ 100 मील पूर्व में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में हुई थी। पूर्वोत्तर की ओर ट्रैकिंग असाधारण गर्म समुद्र की सतह के तापमान पर आयोजित अशांति संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र ने 15 मई को इस प्रणाली को उष्णकटिबंधीय अवसाद में अपग्रेड किया, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने अगले दिन इसके बाद इसका पालन किया। 17 मई को अफान में तेजी से गहरीकरण हुआ। 12 घंटे के भीतर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया। 18 मई को लगभग 12 बजे अफान 260 किमी घंटा की 1 मिनट की निरंतर हवा की गति और 925 मीटर के न्यूनतम केंद्रीय बैरोमेट्रिक दबाव के साथ अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच गया। तूफान ने अपनी चरम तीव्रता पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक आईबॉल रिप्लेसमेंट साइकिल शुरू की, लेकिन सूक्ष्म हवा और हवा की कतरनी के निरंतर प्रभाव ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया और भारत के पूर्वी समुद्र तट के समानांतर के रूप में अफान धीरे धीरे कमजोर हो गया। 20 मई को 10 से 11 बजे के बीच चक्रवात ने पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल कर दिया। उस समय JTWC ने अफान की 1 मिनट की निरंतर हवाओं का अनुमान 155 किमी घंटा होने का अनुमान लगाया। अफान तेजी से एक बार अंतर्देशीय कमजोर हो गया और यह 21 मई 2020 को 12 बजे द्वारा एक अवशेष कम हो गया। उड़ीसा के तटीय इलाके साथ ही कोलकाता, हुगली, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना तूफान से प्रभावित हुए। इससे बांग्लादेश में भी महत्वपूर्ण विनाश हुआ। चलिए अब बात करते हैं आफ्टरमैथ की। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोलकाता को लेकर हवाई संरक्षण किया था। मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 10 अरब रुपये तत्काल राहत पैकेज और उड़ीसा के लिए राहत में 5 अरब डॉलर की घोषणा की। पहले से मोदी ने घोषणा की कि तूफान के दौरान मरे गए लोगों के निकटतम परिवार को 2 लाख प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के CM बनर्जी ने कहा कि नुकसान का आकलन करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा खोज और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 20 आपदा राहत बल भेजे गए। NDRF की टीमों के अलावा 10 टीमों को रिकवरी में सहायता के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया था। लगभग 2000 ग्राउंड टीमों ने अफवाह के बाद पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बहाल करने के लिए काम किया। हालांकि COVID-19 की महामारी के कारण केवल 25 से 30% श्रमिकों को स्टाफ दिया गया। बिजली की धीमी बहाली के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप से बिजली कंपनी CIFC के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन छिड़ गया। इन विरोधों से बहाली के कुछ प्रयास बाधित हुए। पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने रेलवे और बंदरगाह हित के अतिरिक्त कैमरों का अनुरोध किया, जबकि भारतीय सेना की 5 ब्रिगेड को वसूली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कोलकाता और 24 परगना जिलों में तैनात किया गया था। झारखंड और उड़ीसा से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया गया था।
उड़ीसा की सरकार ने अपने आपदा रैपिड एक्शन फोर्स और फायर सर्विस के 500 सदस्यों को पश्चिम बंगाल भेजा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अफवाह के बाद अपने राज्य में हुए नुकसान को हवाई संरक्षण दिया। यूरोपीय संघ ने कहा कि वह शुरू में भारत में तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 545,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान करेंगे। बांग्लादेश में आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय ने अफवाह द्वारा क्षतिग्रस्त तटबंधों को की मरम्मत के लिए 2.5 से 3 अरब डॉलर के बजट को मंजूरी दी। तूफान से प्रभावित प्रत्येक जिले को 1.5 अरब डॉलर वितरित किए गए। साथ ही नालीदार टीन शीट के 500 बंडल भी वितरित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन BRSC ने 10 अब्जिलास में कम आय वाले परिवारों को $30 मिलियन वितरित किए, जिससे प्रति परिवार $5,000 थे। संगठन ने बगरहाट, कोलना और सतगिरा जिले में दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।